अमोला थाना प्रभारी अमित चतुर्वेदी को सूचना प्राप्त हुई कि दो लोग एक बोलेरो में अवैध शराब लेकर जा रहे हैं। सूचना से थाना प्रभारी अमोला द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन पर अति पुलिस अधीक्षक शिवपुरी प्रवीण कुमार भूरिया एवं SDOP करेरा संजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमोला पुलिस टीम के शिवपुरी झांसी हाईवे के अमोल पठातराहे पर पहुंचे एवं बैरिकेड लगाकर वाहन चेकिंग शुरू की गई। कुछ देर बाद शिवपुरी तरफ से एक बोलेरो कार आती दिखी, जो पुलिस चेकिंग को देख चालक द्वारा अपनी बोलेरो कार को भगाने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम एवं पुलिस वाहन की मदद से रोका गया। मौके का फायदा उठाकर एक व्यक्ति बोलेरो कार में से उतरकर खेतों में भाग गया। पुलिस द्वारा बोलेरो चालक को पकड़कर गाड़ी की तलाशी ली गई। उसमें 40 पेटी कुल 307 लीटर देशी शराब कीमत 1,40,000 मिले, जिसे पुलिस द्वारा विधिवत जब्त किया गया। आरोपियों द्वारा बोलेरो क्रमांक UP 93Q0315 का अवैध रूप से शराब के परिवहन में करने से पुलिस द्वारा उक्त बोलेरो कार कीमत करीब 4 लाख रुपए को भी जब्त किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं पुलिस द्वारा फरार आरोपी की तलाश जारी है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अमोला अमित चतुर्वेदी, विवेक भट्ट, पवन राठौर, शिवम विश्वकर्मा, शिवम यादव, अर्जुन रावत, दामोदर भार्गव की सराहनीय भूमिका रही।